नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मौसम यहाँ का बहुत खराब है। हम अभी केरला में मौजूद हैं। यहाँ हमें एक बच्चे के बारे में पता चला है जो कोकोनट का लॉलीपॉप खाता है, और वो हमें बताएगा कि ये कोकोनट का लॉलीपॉप बच्चों के भविष्य के लिए कितना जरूरी है। आइए आपको उससे मिलवाते हैं। आइए, ये है वो बच्चा जो हरदम कोकोनट का लॉलीपॉप खाता रहता है। अभी हम इनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे और पूछेंगे इनको कोकोनट का लॉलीपॉप क्यों अच्छा लगता है, और इन्होंने चॉकलेट वाला वो जो दूसरे तरह के लॉलीपॉप होते हैं उस लॉलीपॉप को इन्होंने क्यों छोड़ दिया। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप ये कौन सा लॉलीपॉप खा रहे हैं? लॉलीपॉप काला है, ये तो लड्डू है। हाँ, ये कैसा लड्डू है? नारियल का। अच्छा, ये नारियल का यानी कोकोनट का ये लॉलीपॉप है। तो ये लॉलीपॉप आपको कैसा लगता है? यम्मी लगता है। और अच्छा, स्ट्रॉबेरी की तरह लगता है कोकोनट। वाह, ये जो संदेश हमें दे रहे हैं कि ये जो नारियल का लड्डू है वो बच्चों के लिए कितना फायदेमंद है, और अगर बच्चे इसी तरह अगर कोकोनट का लॉलीपॉप खाएं तो ये दुकान के लॉलीपॉप से जो जितना जो नुकसान होता है उस नुकसान से ये बच पाएंगे। और ये इनको कोकोनट का लड्डू जो है वो स्ट्रॉबेरी की तरह लगता है। तो सर, आप अपने उम्र के बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके उम्र के बच्चे लॉलीपॉप खा के, कोकोनट का लॉलीपॉप खा के क्या बन जाएंगे? छोटा भीम। और छोटा भीम बन के क्या करेंगे? मैं छोटा भीम बन जाऊंगा। अच्छा, तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आशा करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपके इन बातों को और इस वीडियो को पसंद करेंगे। ये बच्चा जो है, ये आप जिस बच्चे को देख रहे हैं अभी हमारे चैनल में, ये बच्चा किसी भी तरह का चॉकलेट नहीं खाता, किसी भी तरह की लॉलीपॉप नहीं खाता, ये नारियल का बना हुआ लॉलीपॉप खाता है, और इसके साथ ये ड्राई फ्रूट्स भी खाता है, डेट्स है ये, अर्बन डेट्स ये भी खाता है, और सिर्फ घर के खानों पर ही निर्भर है। इस बच्चे को बाहर के खाने की आदत नहीं डाली गई है। इसे मालूम नहीं कि चिप्स क्या होता है, कुरकुरे क्या होता है, मैगी क्या होता है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।